सेम नहीं आता। मैं रंग न्यूज़ के लिए नरेंद्र रंग। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी अभी जो महम गेट के ऊपर रखेदार डायरी के नाम से एक नई शॉप खुली हुई है, अभी कुछ देर पहले ही कुछ युवकों ने उस दुकान पर आकर झगड़ा किया और तमाम देख सकते हैं आप बाहर उनके काउंटर और शीशे तोड़ दिए गए हैं। ये मामले का भी हमें पूरी तरह से पता नहीं चला है, जबकि पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है और जितने भी यहाँ पर काउंटर और शीशे जो लगे हुए थे उनको तमाम रूप से तोड़ दिया गया है। अब हम जो इस दुकान के ओनर हैं उस भाई से पूछते हैं आगे पूरा मामला क्या है। और हाँ जी भाई साहब, पूरा मामला क्या है? किस भाई साहब रात को ऐसे है कि मैं तो मतलब सोचे गया था ऊपर बैठा था, कैश काउंट कर रहा था, बढ़ाने का टाइम हो रहा था, सर तीन लड़के आए थे सोचे गया आसपास सामान ले लिया, पापा खड़े थे मेरे उस साइड दुकान बढ़ा रहे थे, हमारे काउंटर पर लड़की है रक्षा वाली तो वो सामने खड़ी दिखा दो वो करी थी तो उसके बारे में खबर, उनको मेरी जिम्मेदारी भी क्या काम कर रही है तो उसके बारे में कमेंट करा बोले भाई साहब अच्छी बात खड़े हो गए। फिर मैंने भाई साहब अच्छी बात नहीं, इशारा नहीं कर रहा वीडियोग्राफी में पापा की तरफ, रहते ही सॉरी उठा करने जावा अच्छी बात नहीं है, अगर पापा आए उन्हें इतना ना बोला है पापा आए। उसके बाद आगे मेरे साथ हाथापाई करते हैं, फिर आपके साथ हाथापाई करने लगे यहाँ पे और क्या कहते हैं फिर आपको जो मुक्का मारा इतना ऊपर का मुझे बुलाया मेरी घर हाथापाई होगी, अरे हाथापाई होगी फिर मैंने के अगर मैं छोड़ दिया सकता था भाई तुम्हारे लड़ाई करना है वो आते ही सारे जो मार साल लड़ाई करना ये नहीं लगाई क्योंकि मिस्टेक करती किसकी नहीं है या फिर उन चांद समा नहीं धमकी देगा तो थोड़ी थोड़ी मानी धमकी देगा पूरे आधे खराब कर लगाया सब कुछ कर लगाया रात को धमका था उसके बाद सुबह क्या बोलते हैं सुबह अभी आते ही इन्होंने इन लोगों को सारा कर दिया पूरा फायरिंग करेंगे हमारे मोहल्ले में तुम्हें रहने लगे पंजाब को पंजाब की सुबह गाड़ी दी मुझे तो लग रहा है ये तो जान के किया गया है दुकानों को जान करने के लिए सर। रात को कम से कम 60-70 लोग थे, रात को पहले 3 थे ये समझ नहीं आ रहा रात को तो 10 बजे कैसे एकदम फोर्स कर अपने बताते हैं सुदामा एमसी है जी उनके परिवार में संजय मैं चलेंगे उनके परिवार में लड़के हैं जी लोग ने तो लेके तो पीछे जैसा कि जो भिवानी मैम गेहूँ गेट के ऊपर जो रखेदार डायरी के नाम से एक नई शॉप खुली हुई है उसके जो ओनर है उस ओनर भाई साहब बता रहे हैं कि पहले उनकी जो लड़की है यहाँ पर उसके साथ उनसे बदतमीजी की गई उनके रोकने के बाद ये सारा झगड़ा हुआ है। ये जो शीशे काउंटर तोड़े गए हैं ये सुबह तोड़े गए हैं, ये सुबह झगड़ा तो रात को हुआ था उसके बाद ये झगड़ा हुआ है जिसके दौरान ये सभी शीशे तोड़े गए हैं और आप देख सकते हैं कि पुलिस भी मौजूद है, शायद सिविल लाइन का एरिया है ये और आप देख रहे हैं कि पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुंच चुकी है और सभी के बयान दर्ज कर रही है। बदतमीजी करने लगे उतना ही दबन लगे पापा खड़े थे पापा की लाता पाई कर ली शरीफ सुबह राज